आज हम इस वीडियो में बहुत ही अमेजिंग मीशो के कुर्ती देखने वाले हैं। वो भी सारे कुर्तीज जो है ना वो मैंने 500 के अंदर में रखा है। एंड गाइस हमारे जो ये हॉल है ना उसमें मैंने एक चिकन करी का भी ऑप्शन रखा है, उसे ही पहले देख लेते हैं। ब्लैक कलर का कुर्ता मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है। अच्छी बात ये है ना कि इसके साथ में आपको एक ब्लैक कलर का इनर भी मिल जाता है। पहले उसे ही देख लेते हैं, बाद में कुर्ते में आएंगे। इनर है तो उतना ज्यादा कुछ आपको डिटेलिंग नहीं मिलता, स्लीवलेस सा इनर है बट इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। एक मैंने पहले भी मीशो की वीडियो अपलोड की थी, उसमें भी मैंने चिकन करी का कुर्ता दिखाया था। उसमें जो इनर उन्होंने प्रोवाइड किया था ना उसकी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा रफ थी, अच्छी नहीं थी। उसके मुकाबले ये वाली जो फैब्रिक है ना बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है। लेंथ वाइज भी ये इनर बहुत ही अच्छा है। ओवरऑल सिंपल सा इनर है, आप इसके साथ पेयर कर सकते हो। इसे साइड रख के आते हैं कुर्ते पे। बहुत दिनों से मुझे चिकन करी का कुर्ता लेने का मन था बट मैं यूजुअली दूसरे साइट्स पे देखती थी तो उनके प्राइस बहुत ज्यादा हाई होते थे और अगर मीशो पे देखो तो उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं आती थी। बट मैंने इस बार सोचा कि मंगा ही लेते, देखते हैं कैसा आता है। एंड इसके ऊपर में आपको मिरर वर्क भी देखने को मिलेगा इसलिए ये काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। लेंथ वाइज अगर बात करें तो आपके काफ लेंथ तक आएगा ये वाला कुर्ता, काफी ज्यादा लॉन्ग है। एंड इसके दोनों साइड में आपको स्लिट भी मिल जाता है। स्लिट के भी साइड में ना यहाँ पे आपको डिटेलिंग मिल जाएगी, व्हाइट कलर के थ्रेड से किया गया है। नॉर्मली जैसा जो चिकन करी का डिटेलिंग होता है वैसी इसी आपको इसमें भी डिटेलिंग मिलेगी, जिसके ऊपर में यहाँ पे मिरर वर्क स्टिक किया गया है। एंड अभी तो वैसे टच करने में नहीं लग रहा है कि ये इजिली से बाहर आ जाएगा, या फिर जब मैंने रिसीव किया था तभी ये सारे अपने प्लेस में ही है। अभी तक तो कोई हिला डुला नहीं है, मे बी वॉश के टाइम में किसी के निकलने के चांसेस हो सकते हैं। स्लिट के पास वाली डिटेलिंग आपको सामने और पीछे के तरफ वाले स्लिट में भी मिल जाता है। बैक साइड में तो उतना ज्यादा कुछ डिटेलिंग नहीं है बट इसके बीच में यहाँ पे सिर्फ डिटेलिंग की गई है। एंड ये भी काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। प्लेन सिंपल सा इसका बैक रखा गया है ना तो काफी अच्छे से कुर्ते को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। 3/4 से थोड़ा ज्यादा बड़ा आपको इसमें स्लीव मिल जाता है जिसके एंड पार्ट में भी आपको यही डिटेलिंग मिलेगी। एंड यहाँ पे जो चिकन करी वर्क किया गया है ना वो उतना ज्यादा नीट नहीं है क्योंकि कहीं कहीं पे यहाँ पे आपको थ्रेड निकले हुए दिखेंगे। स्लीव का जो पार्ट है वहाँ पे भी चिकन करी वाली वर्क की गई है। अगर फ्रंट साइड में आए तो नेक आपको इसमें राउंड मिलता है जिसके फ्रंट साइड में एक छोटी सी कट लगाई गई है वी पैटर्न में। एंड ओवरऑल नेक में आपको बहुत ही खूबसूरत सी चिकन करी की वर्क मिल जाती है। ये चिकन करी के साथ यहाँ पे मिरर वर्क भी किया गया है जो कि आपको नेक के स्टार्टिंग से लेके एंड पार्ट तक मिल जाता है। जितनी भी इसके ऊपर में चिकन करी वाली डिटेलिंग है ना वहाँ वहाँ पे भी मिरर वर्क किया गया है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। एंड यहाँ का जो डिटेलिंग है ना वो काफी ज्यादा नीट है, यहाँ पे आपको कहीं पे भी थ्रेड निकला हुआ नहीं दिखेगा। मटेरियल के बारे में बात करें तो ये वाला जो कुर्ता वो उतना ज्यादा रफ घिस टाइप का नहीं लग रहा है, सॉफ्ट है, आपको कंफर्टेबल लगेगा पहनने के टाइम में। लेंथ वाइज तो काफी अच्छा है ये, आप चाहो तो अपना लुक हेवियर साइड या फिर सिंपल साइड में भी रख सकते हो, दोनों इसके ऊपर में बहुत ही अमेजिंग लगेगा। एंड अगर प्राइसिंग पे आए तो ये वाला कुर्ता मैंने 570 के अराउंड में लिया था। अब आप बोलोगे कि क्या है, टाइटल में आप लिखते हो अंडर 500 और यहाँ पे 500 से ऊपर के कुर्ते दिखा रहे हो। इसका जो फैब्रिक है इसका जो वर्क है ना वो इसके पैसे को जस्टिफाई कर रहा है, इसीलिए मुझे ये कुर्ता अच्छा लगा। एंड अगर आपका बजट ऐसा है कि सिर्फ 500 तक ही रहेगा तो मैं आपको अलग चिकन करी के कुर्तों के कोड प्रोवाइड कर दूंगी, आप इसके लिए नहीं तो उनके लिए भी जा सकते हो। इसमें उतना मिरर वर्क नहीं होगा बट क्वालिटी अच्छी होगी। वैसे अगर आप प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर कर सकते हो तो आप डेफिनेटली इसके लिए जाना, सच में इसकी क्वालिटी वगैरह बहुत ही अमेजिंग है। नेक्स्ट है एक बहुत ही खूबसूरत सा मस्टर्ड येलो कलर का कुर्ता। ये वाला कुर्ता आप मेरे इस हॉल का फेवरेट में से समझ सकते हो। ओवरऑल जो कुर्ता एकदम प्लेन सिंपल सा है, इसके ऊपर में ना आपको व्हाइट कलर के डिटेलिंग देखने को मिलेंगे जिसे कि थ्रेड वर्क से किया गया है। एंड यहाँ पे जो थ्रेड्स यूज किए गए ना वो इस कुर्ते में टेक्सचर प्रोवाइड कर रहे हैं। ओवरऑल कुर्ता कॉटन मटेरियल का तो है ही बट इस व्हाइट टेक्सचर की वजह से ना थोड़ा इसमें जो खादी टाइप के कपड़े कैसे होते हैं वैसा वाला फील दे रहा है। दोनों साइड में तो आपको स्लिट मिल ही रहा है बट इसके स्लिट वाले पार्ट में ना यहाँ पे दो दो टैसल अटैच किए गए हैं। ये दोनों साइड में डिटेलिंग आपको मिलती है, काफी क्यूट लगा था मुझे। टैसल वगैरह की भी क्वालिटी अच्छी है। एंड ये वाला जो टैसल है ना वो थोड़ा नीचे तक आता है, यानी कि थोड़ा सा लंबा डोरी में इसे अटैच किया गया है। एंड अमेजिंग बात ये भी है ना कि नीचे वाला जो इसका पार्ट है वो यहाँ पे थोड़ा सा राउंड पैटर्न में रखा गया है। यूजुअली हमें कुर्तों में ऐसा स्ट्रेट देखने को मिलता है नीचे वाला पार्ट। बैक साइड में भी यही आपको व्हाइट वाले थ्रेड से डिटेलिंग मिलेगी, उतना कुछ भी एक्स्ट्रा सा डिटेलिंग नहीं किया गया है। नेक आपको इसमें राउंड मिलता है। एंड ये वाला जो कुर्ता है ना वो स्लीवलेस है। इसके फ्रंट वाले पार्ट में ना आप देखो आपको बहुत ही सुंदर सी डिटेलिंग मिल जाती है जिसे कि थ्रेड वर्क से किया गया है। मुझे ज्यादा ना वो चमचम वाले डिटेलिंग अच्छे नहीं लगते बट ऐसे जो सटल थ्रेड वर्क से डिटेलिंग होते हैं वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। कंफर्टेबल तो रहते ही है, साथ ही एक आपको स्टैंडर्ड लुक
प्रोवाइड करता है। जितनी भी यहाँ पे आप डिटेलिंग देख लो ना, बहुत ही नीटली किया गया है एंड कलर कॉम्बिनेशन भी जितने यूज हुए हैं वो भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ओवरऑल कुर्ता मुझे ये काफी अच्छा लगा। समर्स के लिए एक बहुत ही अच्छा सा ऑप्शन है, आप ऑफिस वेयर के लिए या तो अपने कॉलेज के लिए भी यूज कर सकते हो। साइज मेरा सारे कुर्ते में मैंने एल ही लिया था, फिटिंग वगैरह आप देख ही सकते हो बीरोल के थ्रू। ऐसा नहीं है कि कॉटन है तो शेयर होगा, दिखेगा आर पार। मटेरियल इसकी बहुत ही अच्छी है, फिटिंग वगैरह भी काफी अच्छा लगा था मुझे। इसे भी आप जीन्स या फिर व्हाइट कलर के पैंट के साथ इजिली स्टाइल कर सकते हो, बहुत ही अच्छा सा ऑप्शन है। एंड अगर प्राइसिंग के बारे में बात करें तो ये वाला जो कुर्ता आपको 300 या 350 के अराउंड में मिल जाएगा, उसके अकॉर्डिंग ये वाले कुर्ते को बिल्कुल मिस मत करना। देखो प्राइसिंग एंड स्टाइलिंग की तो बात हो गई, बट स्टाइलिंग आप तब करोगे जब आप अच्छे दिखोगे, आपके बाल अच्छे दिखेंगे। एंड आजकल हम इतना ज्यादा बिजी हो गए ना अपने डे टू डे लाइफ में, या तो वो कॉलेज हो, ऑफिस हो, जो भी हो, उस वजह से हम अपने बालों की उतना ज्यादा केयर नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से बहुत ज्यादा हेयर फॉल हमें फेस करना पड़ता है। बट अब वैसा नहीं होगा, क्योंकि अभी मैं जो आपको ऑयल रिकमेंड करूंगी ना वो बहुत ही अमेजिंग है एंड आपके हेयर फॉल को तो रोकेगा ही, साथ ही साथ हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करेगा। वो है स्कीविया का ये करी लीव्स हेयर ग्रोथ ऑयल। क्लोविया को तो आप सब जानते ही होंगे, उन्हीं का ये स्किन केयर रेंज है जिसका नाम रखा गया है स्कीविया। एंड इसमें आपको बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट और सारे भी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। मैं आज आपको करी लीव वाला हेयर ऑयल रिकमेंड कर रही हूँ। इसकी पैकेजिंग ना बहुत ही खूबसूरत से की गई, आप देख सकते हो काफी लाइट ग्रीन कलर एंड फ्लोरल डिजाइनिंग वगैरह इधर उधर किया गया है, बहुत ही रिफ्रेशिंग लग रहा है। 100 ml का ये वाला प्रोडक्ट है। ऑयल जो है वो ऐसे पंप पैकेजिंग के साथ आता है एंड ऐसे जो पैकेजिंग होते हैं वो काफी ज्यादा कन्वीनियंट हो जाते हैं हमें ऑयल एप्लीकेशन के दौरान में। एंड इसके साइड में ना आपको इंग्रेडिएंट्स वगैरह इसके देखने को मिल जाएंगे, वो सारे आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। एंड आपने अपने दादी या फिर नानी से ऐसा सुना होगा कि करी लीव और गुड़हल के फूल वगैरह हमारे बाल के लिए कितना ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, वही सारे पुराने इंग्रेडिएंट्स इसमें डाला गया है। टेक्सचर के बारे में अगर बात करें तो काफी पतला सा टेक्सचर है, उतना ज्यादा आपको थिक स्टिकी टाइप का नहीं लगेगा। आप इसे जेंटली अपने फिंगर्स या फिर एक कॉटन पैड के थ्रू अपने हेयर्स में अप्लाई कर सकते हो। मैंने भी इसे अपने हेयर में एक दो बार यूज किया है एंड सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी ना कि इतना ज्यादा लाइट वेट होने के कारण ऐसा लगता ही नहीं है कि आपने हेयर ऑयल अप्लाई किया हो। ट्रुएलिटी सल्फेट पैराविन फ्री है ये हेयर ऑयल, मेड इन इंडिया वाला प्रोडक्ट है। इनके प्रोडक्ट्स क्लोविया और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, आप चाहो तो फ्लिपकार्ट या फिर क्लोविया से कहीं से भी ले सकते हो। एंड ये जो हेयर ऑयल है ना वो ऐसे क्यूट से पिंक बॉक्स में आता है जो कि क्लोविया का है। एंड सारे बेनिफिट्स तो मैंने बता ही दिए, तो आप अगर इसके लिए जाना चाहो तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। नेक्स्ट वाला जो हमारा कुर्ता है ना वो स्काई ब्लू कलर में है, स्काई ब्लू या फिर आप सी ब्लू भी इसे बोल सकते हो, बहुत ही सुंदर सा कलर है। मेरे कुर्ते से थोड़ा बहुत ये मैच हो रहा है। वैसे अगर आपको ये कुर्ता चाहिए ना तो इसका भी वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा, उसे भी आप चेकआउट कर सकते हो। आते हैं ये वाले कुर्ते पे, तो ओवरऑल ये वाला भी जो कुर्ता है वो कॉटन मटेरियल का है। बेस जो इसका है उसे सी ब्लू कलर का रखा गया है, इसके ऊपर में आपको व्हाइट कलर से ओवरऑल में डिटेलिंग मिलेगी, प्रिंट नहीं है। 3/4 स्लीव्स आपको इसमें भी मिल जाएंगे, जिसके एंड पार्ट में ना यहाँ पे एक अलग से बॉर्डर अटैच की गई है, जिसमें थोड़े से कलरफुल पैटर्न यहाँ पे यूज किए गए हैं डिटेलिंग के लिए। ये भी काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है एंड क्योंकि ओवरऑल बॉडी में इसका व्हाइट कलर यूज हुआ ना, तो इसे बहुत ही एक सटल सा लुक प्रोवाइड कर रहा है। ये वाला जो कुर्ता है ना वो उनके लिए है जो ज्यादा लॉन्ग कुर्ता पहनना प्रेफर नहीं करते हैं, या फिर जिन्हें लॉन्ग कुर्ता बोरिंग हो गया हो, शॉर्ट कुर्ता ढूंढ रहे हो, उनके लिए एक अच्छा सा ऑप्शन है। शॉर्ट कुर्ता है, नीचे का जो पार्ट है यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा राउंड पैटर्न में मिलेगा, नेक आपको इसमें भी राउंड मिलता है, यहाँ पे ब्रांडिंग की गई है। साइज मेरा इसमें एल है। फ्रंट साइड में यहाँ पे ना आपको एक क्लोजर के लिए बटन मिल जाता है एंड इसके फ्रंट पार्ट में यहाँ पे एक की होल पैटर्न में डिटेलिंग की गई है, जिसके साइड साइड में सी ब्लू कलर से ही पाइपिंग की गई है। एंड गाइस इसके अंदर में आप देखो ना तो यहाँ पे अलग से फैब्रिक अटैच की गई है, जिसके ऊपर में आपको बांधनी प्रिंट देखने को मिल जाएगा। मैंने सच में अभी इसे ऐसा देखा था, मुझे लगा था पिक्चर में कि ये सेम फैब्रिक का ही पार्ट होगा, बट यहाँ पे ये अलग अलग ऐसा हो रहा है, काफी यूनिक सी डिटेलिंग लगी मुझे। साथ ही नेक वाले पार्ट में ना यहाँ पे छोटे छोटे जैसे सीक्वेंस होते हैं ना, वैसी वाली ही यहाँ पे डिटेलिंग की गई है। बहुत ही सिंपल मिनिमल साइज का लुक रखा गया है एंड ये वाली भी जो जितनी डिटेलिंग है ना वो भी बहुत ही कम पार्ट में किया गया है, ऐसा नहीं है कि पूरा इसका नेक भर दिया गया है। बैक साइड भी इसका सेम रखा गया है एंड इसका जो वेस्ट वाला पार्ट है ना वहाँ पे दोनों साइड में आपको छोटे छोटे प्लीट्स मिल जाते हैं जो कि नीचे की तरफ में आपको घेर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ओवरऑल कुर्ता बहुत ही अच्छा है, कॉटन मटेरियल का है तो आपको ऑब्वियसली कंफर्टेबल रखेगा, कपड़े की क्वालिटी अच्छी है, उतना ज्यादा पतला नहीं है कि आर पार दिखे, साथ ही आप अपने कॉलेज या फिर ऑफिस के लिए यूज कर सकते हो, फिटिंग वगैरह तो आप देख ही सकते हो बीरोल के थ्रू। साइज मेरा एल है, तो आप भी अगर इसे ट्राई देना चाहो तो दे सकते हो। एंड नेक्स्ट वाला जो कुर्ता है ना वो डार्क सी ब्लू कलर में है, इसका भी कलर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सा है। एंड ओवरऑल ये वाला जो कुर्ता एकदम प्लेन सॉलिड सा है एंड इसका जो स्लीव है ना वो आपके एल्बो
के ऊपर में आएगा। साथ ही इसका जो एंड वाला पार्ट है वहाँ पे आपको ये फोल्डेड वाला पैटर्न देखने को मिल जाता है। अगर यहाँ पे एक बटन अटैच कर देते तो ज्यादा सुंदर लगता है। खैर ऐसे भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। दोनों साइड में यहाँ पे भी आपको स्लिट मिल रहा है। इसका भी जो नीचे वाला पार्ट है ना वो थोड़ा सा राउंड पैटर्न में रखा गया है। नेक में इसके यहाँ पे आपको कॉलर मिल जाता है। कॉलर की भी क्वालिटी अच्छी लग रही है। ऐसा नहीं लग रहा कि एकदम मरियल सा कॉलर अटैच कर दिया गया हो। साथ ही यहाँ पे आपको क्लोजर के लिए 5 बटन मिल जाते हैं सिल्वर कलर के। क्योंकि ये कुर्ता एकदम प्लेन सॉलिड सा है ना, ये बटन से इसमें एक डिजाइन की एलिमेंट हो जाती है। नेक में मेरा साइज मेंशन है। बैक साइड में भी आपको कोई भी डिटेलिंग वगैरह नहीं मिलता। एंड फैब्रिक के बारे में बात करें तो ये वाला जो कुर्ता है वो रेयन फैब्रिक का है। बहुत ही स्मूथ सा इसका फैब्रिक लग रहा है। क्वालिटी भी इसकी अच्छी है, उतना ज्यादा आर पार नहीं दिख रहा है। लेंथ की बात करें तो ये वाला भी कुर्ता आपके काफ लेंथ तक आने वाला है। एंड ऐसे प्लेन सॉलिड से जो कुर्ते होते हैं ना उसके ऊपर में आप बहुत ही बड़े बड़े नेक पीस स्टाइल कर सकते हो, या फिर चाहो तो बड़े झुमके या फिर चांद बालिस भी पेयर कर सकते हो। बहुत ही अमेजिंग लगता है। ऑफिस वेयर के लिए एक अच्छा सा ऑप्शन है। इसके नीचे में आप डेनिम भी पेयर कर सकते हो। फिटिंग वगैरह तो आपको क्लियर हो ही गया होगा बीरोल के थ्रू, तो कोड आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आते हैं मीशो की गड़बड़ी में। हमेशा की तरह पता नहीं मीशो को क्या है ऐसा मेरे साथ कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी मेरे साथ हो ही जाता है। बट इस बार उतना ज्यादा नहीं बोलूंगी क्योंकि जितने भी कपड़े आए हैं ना सबकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी लगी है। एक और कुर्ता जो था वो मैंने ऐसा पिंक कलर का मंगाया था, मैं यहाँ पे फोटो उसकी अटैच कर दूंगी। बट उन्होंने येलो कलर का कुर्ता मुझे भेजा है जिसका पैटर्न डिजाइन कुर्ते का डिजाइन कुर्ता तो है ही नहीं, सब कुछ अलग है। उन्होंने यहाँ पे मुझे भेज दिया एक वन पीस। एंड सबसे पहले तो मैंने इसे देखा था तो मैंने सोचा था हाँ ठीक है वन पीस है, दिखा दूंगी इसे भी, बता दूंगी कि गड़बड़ी हुई थी। बट देखने के साथ मैं तो इसे समझ ही नहीं पाई कि इसे पहनना कैसे है, क्योंकि इसके कॉलर वाले साइड में आप यहाँ पे देखोगे तो आपको ये दो डोरी टाइप का देखने को मिलेगा जो कि मैंने इसमें लगाया है। बट पहले ये अलग था। डिटेलिंग वगैरह तो ठीक ठाक है, ओवरऑल जैसा वन पीस होता है बिल्कुल वैसा ही साइज के एंड पार्ट में आप देखो तो यहाँ पे थोड़ी डेंस सी डिटेलिंग मिल जाएगी। इसका बॉडी जो है उसमें छोटे छोटे डिटेलिंग किए गए हैं। प्रिंट नहीं है, कपड़े का ही पार्ट है, अच्छी क्वालिटी का है। ये वाला भी ठीक ठाक लगा मुझे। एंड इसका अपर वाला पार्ट अगर आप देखो तो वहाँ पे फ्लोरल प्रिंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। थोड़ी डेंस में यहाँ पे डिटेलिंग की गई है। स्लीवलेस वाला ये वन पीस है। एंड इसका जो वेस्ट वाला पार्ट है ना वहाँ पे भी छोटे छोटे ऐसे प्लीट्स डिजाइन किए गए हैं नीचे की तरफ घेर क्रिएट करने के लिए। स्लिट वगैरह कहीं भी नहीं, एकदम प्लेन सिंपल ऐसा स्ट्रेट टाइप का ये फ्रॉक है। अगर नेक के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देखो तो रेड कलर से पॉम्पॉम अटैच किए गए हैं आगे पीछे के तरफ में। इसका आगे पीछे आपको समझ नहीं आएगा, दोनों के तरफ में सेम ही डिटेलिंग है। बट इसमें अजीब चीज क्या है ना कि ये देखो आप, ऐसा है इसका ऊपर वाला पार्ट। मुझे समझ ही नहीं आता कि इसे पहनना कैसे है। जिससे भी दिखा रही हूँ वो समझ ही नहीं पा रहा कि भाई इसे पहनना कैसे है। बाद में मैंने देखा कि इसमें एक ऐसा डोरी भी है, तब मैंने दोनों को अटैच किया, तब ऐसा समझ में आ गया अच्छा हाँ ठीक है इसे ऐसा पहनना है, यहाँ पे टाई करना है। क्या बताऊँ इसका कोड मैं तो आपको दे नहीं पाऊंगी। वैसे ये भी ठीक है, अगर आप चाहो तो इमेज कैप्चर करके आप मीशो पे सर्च कर सकते हो, थोड़ा डिजाइन या फिर कलर वगैरह अच्छा भेज देते तो मैं रख भी लेती। बट इसे तो मैं बिल्कुल नहीं रखने वाली। मैं आपको नहीं बोलूंगी कि जाना चाहो तो जा सकते हो। वैसे मैं ट्राई करूंगी सर्च करने का। मैंने जो कुर्ता मंगाया था उसका आपको कोड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकती। एंड आई होप गाइस आपको ये मीशो के कुर्ते के कलेक्शन बहुत ही अच्छे लगे होंगे। अपना फेवरेट कुर्ता मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एंड अगर आपके मन में कोई सजेशन या फिर क्वेश्चन हो तो उसे भी कमेंट में लिखना। साथ ही मैंने स्कीविया का जो हेयर ऑयल बताया है उसे भी चेकआउट कर लेना। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में। अभी के लिए बाय, जय हिंद, पीस।